हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को चेंज कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A54 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो हमारे फ़ोन में जो ऑप्शंस आता है कि कैसे आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और रिफ्रेश रेट को आप चेंज कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली इस पे जाते हैं। जो भी आप रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपली इसको ऑन करते हैं तो रिफ्रेश रेट आपके डिस्प्ले कॉर्नर पे शो हो जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं, और ऑफ़ करते हैं तो आपके डिस्प्ले से हट जाएगा। तो इस तरीके से शो कर सकते हैं रिफ्रेश रेट को आप चाहें तो। रिफ्रेश रेट को आप चेंज भी कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर। जो भी आप रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी चेंज कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को बदल सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वीडियो अच्छी लगी तो।